बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूअर्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने थ्री नंबर्स फाइंड किए थे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे। तो वहाँ मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि नेक्स्ट इस किस्म के क्वेश्चन जब आएंगे तो स्ट्रेटजी वही होगी। अब 6.4 का क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हूज सम इज 32 एंड सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 276। जो लास्ट लेक्चर था उसमें आपने थ्री नंबर्स एपी में थे वो फाइंड किए थे, अब फोर नंबर्स हैं एपी में वो हमने फाइंड करने हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक नंबर ए लें, दूसरा ए प्लस डी लें, तीसरा ए प्लस टू डी लें एंड ए प्लस थ्री डी। ये नंबर जो हैं ये एपी में हैं, चार नंबर हैं और एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। एपी में किस तरह है? आप देखें, इस सेकंड नंबर में से अगर फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है? डी आता है। यानी आप अगर ये कर दें ए प्लस डी माइनस ए तो क्या होगा? ये कट जाता है, आंसर डी आता है। अगर आप थर्ड टर्म थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है? ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, तो ये भी कट के क्या रह जाता है? डी। इसी तरह अगर आप फोर्थ नंबर में से थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करें ए प्लस थ्री डी माइनस ए प्लस टू डी, तो वो आता है ए प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस टू डी, ये कट गया या डी रह गया। तो ये नंबर सपोज किए जा सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही हैं। लेकिन इनका मसला ये है कि अगर ये दो कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे, यानी इन नंबर्स को ऐड करके 32 लिखेंगे और इनके स्क्वेयर्स को ऐड करके 276 लिखेंगे, तो दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशंस बनेंगी और दो इक्वेशन में क्या होगा? ए और डी की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। तो इसके अलावा नंबर्स क्या सपोज किए जा सकते हैं वो ज़रा देखें। अगर मैं ये नंबर लूँ ए, जैसे कि थ्री नंबर्स के केस में लिया था, और आगे मैं लूँ ए प्लस डी, और आगे मैं लूँ ए प्लस टू डी, और इधर ले लूँ ए माइनस डी, तो अब भी मसला वही होगा। यानी अगर आप इन नंबर्स को ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डी आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तब भी डी आता है। तो चूँकि कॉमन डिफरेंस सबका तीन, ये चारों नंबर का सेम है तो ये एपी में है, तो ये भी लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम वही है। क्या प्रॉब्लम है? इन नंबर्स को ऐड करके जब हम 32 के बराबर लिखेंगे तो डी कैंसिल नहीं होगा। तो हमने जो नंबर सपोज करने होते हैं वो इस किस्म के सपोज करने होते हैं कि जब उनको ऐड करें तो एक एक ही वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाए, डी एलिमिनेट हो जाए। तो डी एलिमिनेट किस तरह हो सकता है? जिस तरह प्लस डी जितना आ रहा है उतना ही माइनस हो रहा हो, ठीक है? तो यहाँ तो इस फॉर्मेट में अगर हम लें तो नहीं होता। तो ज़रा देखते हैं कि हम अगर इसमें ए लेने से, ये जो दरमियान में हमने ए लिया हुआ है, ये लेने से तो हमारा डी कैंसिल नहीं होगा। अगर जो तीन नंबर होते हैं फिर ठीक था, जैसे पिछले क्वेश्चन किया था हमने, ए दरमियान अगर नंबर्स की, मैंने बताया था कि अगर नंबर्स की तादाद ऑड है तो आप दरमियान में एक नंबर रख लेंगे और उसके लेफ्ट साइड पर डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे राइट साइड पर। अगर पाँच नंबर होता तो फिर ये हम कर सकते थे, पाँच होते ना तो फिर हम ये कर सकते थे, इधर ए माइनस टू डी आ जाता। देखें, अगर पाँच नंबर होते तो ए माइनस टू डी आ जाता। अब इन सब को ऐड करके तो डी कैंसिल हो जाना था, क्योंकि ये माइनस टू डी प्लस टू डी के साथ कैंसिल हो जाता, माइनस डी डी के साथ कैंसिल हो जाता और ए की वैल्यू आ जाती। लेकिन चूँकि नंबर चार हैं तो ये फॉर्मेट नहीं रहेगा सही। अभी हमें कौन सा फिर फॉर्मेट लेना है? हमें दरमियान में ए नहीं रखना। अगर हम a माइनस टू डी करें और यहाँ आप a माइनस डी करें और a प्लस डी करें और a प्लस टू डी करें, तो ये चार नंबर हैं एपी में हैं। एपी में कैसे हैं भला? अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, नहीं ज़ीरो नहीं आएगा। a माइनस डी सेकेंड नंबर में से अगर मैं फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आता है? a माइनस डी माइनस ए प्लस टू डी,
ए माइनस ए कट के क्या रहता है डी। इसी तरह अगर आप सेकंड नंबर में से थर्ड नंबर में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें, थर्ड नंबर क्या है ए प्लस डी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी। तो जी यहाँ भी टू डी आना सही था ना, ये भी गलत, ये भी फॉर्मेट सही नहीं रहा फिर हमारा, समझ आ रही है। ये भी हमारा फॉर्मेट जो है, ये जो लिया आपने a माइनस डी और a माइनस डी में से d सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ तो d आ गया लेकिन वो 2d आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मेट भी चार नंबरों के लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 2d, जो कि यहाँ आ रहा है 2d। तो इसका मतलब ये भी फॉर्मेट ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो d आता है, तो 2d कैसे आ सकता है? अगर आप ये वाला नंबर ले लें फिर 2d आ सकता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके 2d आता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके भी 2d आता है। देख लें जरा कि अगर आप आपका यहाँ पे 3 हो तो क्या आएगा, यहाँ पे 3d माइनस डी क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा, और ये भी 2d है। और अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 2d आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तब भी 2d आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें a प्लस 3d माइनस a प्लस डी किसके बराबर आ गया, a प्लस 3d माइनस a माइनस डी, और ये माइनस a कट गया और क्या रह गया आपके पास 2d। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब ये वाले जो नंबर हैं ये सपोज करने सूटेबल हैं, क्योंकि इनको सपोज करने से एक तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो रहते हैं, कॉमन डिफरेंस इनका सेम आता है, और फिर इनको ऐड करने से डी कैंसिल हो जाएगा माइनस थ्री डी प्लस डी के साथ और माइनस थ्री डी के साथ। समझ आ गई? डिस्कशन की है हमने कि अगर आपके पास चार नंबर एपी में हों तो किस किस्म के नंबर आपने सपोज करने हैं और क्यों सपोज करने। चलिए आगे चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। लेट द रिक्वायर्ड फोर नंबर्स इन एपी बी, कौन कौन से हैं, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। देन बाई गिवन कंडीशंस, देन बाई गिवन कंडीशंस, जी गिवन कंडीशंस क्या हैं? एक कंडीशन तो ये है कि इनका सम 32 है। फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हूज सम इज 32, इनका सम 32 है, यानी ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी। ये माइनस थ्री डी थ्री डी से कैंसिल हो गया, माइनस डी डी से कैंसिल हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या आ गया 4a, किसके बराबर था 32 के। पहली गिवन कंडीशन क्या थी कि जो आपने फोर नंबर्स एपी में फाइंड करने हैं उनका सम 32 है। हमने अज्यूम कर लिया a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी रिक्वायर्ड फोर नंबर्स हैं इन एपी। यही नंबर क्यों सपोज किए वो सारी डिस्कशन यहाँ की है। इनका सम किया 32 आ गया और ये डी माइनस थ्री डी, डी और डी और ये सारे डी कैंसिल हो गए, 4a का आंसर क्या आ गया 32। a किसके बराबर होगा 32 और 4, a इज इक्वल टू 8। एक मसला तो हल हुआ। दूसरा मसला क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर्स। ये जो नंबर आपने सपोज किए हुए हैं इनके स्क्वेयर्स का सम किसके बराबर है 276। तो करते हैं जरा, a माइनस थ्री डी स्क्वेयर प्लस a माइनस डी स्क्वेयर, a प्लस डी स्क्वेयर,
ए प्लस थ्री डी स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही मैं लिख लूँगा, प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। अब क्या क्या चीज़ें कटती हैं, माइनस 6ad और प्लस 6ad और माइनस 2ad और प्लस 2ad, बाकी क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये आ गया 4a स्क्वायर 9d स्क्वायर, नहीं एक और भी है 9d स्क्वायर जी 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कर ही लेना, ऐड कर लें सारा, ठीक है ना, क्या था 9d स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर 10d स्क्वायर फिर प्लस 10d स्क्वायर 11d स्क्वायर और ये 9, तो ये आ जाएगा 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। क्या 4 कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर जी 5d स्क्वायर वो 276। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 4 से, यानी आपके पास आ गया 4a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 276 ओवर 4, ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर जी 6 4 24 6 9 36। तो a की वैल्यू फाइंड नहीं हो चुकी हमारे पास, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 8 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69, 64 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69 माइनस 64, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कट गया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और d की वैल्यूज प्लस माइनस 1 आई। अब d की दो वैल्यूज के लिए दो डिफरेंट नंबर, दो डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स आएंगे, तो फॉर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फॉर d इज इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या क्या है भला, a माइनस 3d है ना पहला नंबर, a की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 इंटू 1, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, उसके बाद क्या था दूसरा नंबर क्या है a माइनस d, a 8 माइनस 3, ये नहीं ये क्या किया, 3 इंटू d, डी की वैल्यू 1 और अब ये डी की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 7 आ जाएगा। इसी तरह एक नंबर है ए प्लस डी 8 प्लस 1 वो 9 आ जाएगा, और फिर ए है ए प्लस 3d चौथा नंबर ये, तो वो क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 इंटू 1 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो ये चार नंबर आए हैं 5 7 9 11, ये चार नंबर डी की किस वैल्यू पे आए हैं, डी की वैल्यू जब हमने 1 रखी, अभी वो तो मालूम करना है कि जब डी माइनस 1 होगा उसके लिए क्या होगा, फॉर डी इज इक्वल टू माइनस 1 रिक्वायर्ड नंबर्स आर, नंबर वही है, कौन कौन से, a माइनस 3d, नंबर तो वही है ना, a माइनस 3d, a क्या है 8 माइनस 3 इंटू माइनस 1,
एट प्लस थ्री इज इक्वल टू इलेवन, दूसरा नंबर क्या है ए माइनस डी, एट माइनस माइनस वन, एट प्लस वन नाइन, ए प्लस डी क्या है एट प्लस माइनस वन, एट माइनस वन इज इक्वल टू सेवन, ए प्लस थ्री डी, एट प्लस थ्री इंटू माइनस वन फाइव। तो नहीं वो ये वो नंबर नहीं है जो पहले आए थे, ऑर्डर रिवर्स है इनको, ठीक है ना। हेंस ऑर्डर रिवर्स होने से एपी में नंबर चेंज हो जाते हैं, उनको वो ही नंबर नहीं कहेंगे। हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या क्या है, फाइव सेवन नाइन इलेवन और इलेवन नाइन सेवन फाइव, ये डिफरेंट नंबर्स हैं तरतीब के लिहाज, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ला दिया उसमें कॉमन डिफरेंस सेवन माइनस फाइव आपके पास क्या आ रहा है टू, उधर आपके पास नाइन माइनस इलेवन क्या आ रहा है माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली उसी तरह का ही है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया, फाइंड द फाइव नंबर्स इन एपी हूज सम इज 25 एंड द सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 135। अब आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पांच नंबर मालूम करने हैं जिनका सम 25 है और उनके स्क्वायर का सम 135 है। अब चूंकि नंबर्स की तादाद 5 है तो हम दरमियान में ए रख के एक डी इधर सबट्रैक्ट करेंगे और एक डी इधर ऐड करेंगे, फिर एक डी सबट्रैक्ट करेंगे और एक डी इधर ऐड करेंगे, दरमियान में ए रख के, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, जी चूंकि नंबर की तादाद 5 है, एक दरमियान में ए रख लें, इससे पीछे आए ए माइनस डी करें, इससे आगे जाएं ए प्लस डी करें, फिर पीछे आए एक डी और सबट्रैक्ट करें ए माइनस टू डी हो जाएगा, आगे जाएं एक डी और ऐड करें ए प्लस टू डी हो जाएगा। अब देखें इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें डी रह जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें डी रह जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें डी रह जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें डी रह जाएगा। इसका फ़ायदा भी होगा जब हम इनको ऐड करेंगे डी कैंसिल हो जाएगा। अगला काम क्या होता है फिर, बाई गिवन कंडीशंस इनका सम ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी, इनका सम किसके बराबर है 25 के और माइनस टू डी प्लस टू डी के साथ कैंसिल हुआ, माइनस डी डी के साथ कैंसिल हुआ, ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए, फाइव ए किसके बराबर आ गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू 5 आ गई। अगला काम इनके स्क्वेयर्स का सम किसके बराबर है 135 के एंड ए माइनस टू डी स्क्वायर ए माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी स्क्वायर ए प्लस टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 135। स्क्वायर ओपन करें ए स्क्वायर माइनस फोर ए डी प्लस फोर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए डी, ए स्क्वायर माइनस टू ए डी प्लस डी स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए डी प्लस डी स्क्वायर, फाइनली ये रह गया ए स्क्वायर प्लस फोर ए डी प्लस फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ये माइनस फोर डी इस प्लस फोर डी से कैंसिल होगा, ये माइनस टू डी इससे कैंसिल होगा और तो कोई है नहीं है। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो गए 5 ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर फाइव ए स्क्वायर, उसके बाद है फोर डी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वेयर 5d² प्लस डी स्क्वेयर 6d² प्लस 4d² 10d², ये आया 10d² इज इक्वल टू 135। यहाँ से मुझे लगता है 5 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस 2d² इज इक्वल टू 135। आया ए स्क्वेयर प्लस 2d² इज इक्वल टू 135/5। जी ए स्क्वेयर प्लस 2d² इज इक्वल टू, हाँ जी 5 2 10 एंड 5 7 35। 5 2 10 3 कैरी किया, 5 7 35 ए की वैल्यू निकली हुई है हमारे पास, क्या है 5² प्लस 2d² 25 प्लस 2d² इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट 2d² इज इक्वल टू 27 माइनस 25 क्या रह जाएगा 2 आ जाएगा और d² 1 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। a की वैल्यू भी निकली है और d की वैल्यू भी निकली है। जब ए और डी की दोनों की वैल्यूज निकलाएं फिर तो नंबर्स मालूम करने में मसला नहीं है। तो डी की वैल्यू 1 के लिए रिक्वायर्ड नंबर्स क्या होंगे, फॉर डी इज इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड नंबर्स आर, बताएं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। पहला नंबर कौन सा है, ए माइनस 2d, यही है ना नंबर। तो पहले ये तो मालूम कर लेना ए किसके बराबर था, 5 के माइनस 2 × 1 5 − 2 = 3। उसके बाद ए माइनस डी है जी, ए 5 है और डी किसके बराबर है 1 के, क्या आया 4। फिर क्या है ए ए प्लस डी 5 + 1 6, ए प्लस 2d क्या एक ए रह गया, शाबाश। ए किसके बराबर है 5 के, ए प्लस डी आ गया 6 और ए प्लस 2d किसके बराबर आएगा 2 × 1 5 + 2 = 7। रिक्वायर्ड नंबर्स के आगे 3 4 6 7 3 4 5 6 7। ये तो d इज इक्वल 1 के लिए निकाले हमने, अब d इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए, फॉर d इज इक्वल टू माइनस 1 रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या बनेंगे जी, नंबर वही है a माइनस 2d 5 − 2 × −1 5 + 2 = 7। दूसरा नंबर है a माइनस डी 5 − −1 5 + 1 = 6 और तीसरा नंबर है a जो कि 5 है। चौथा नंबर है a प्लस डी जो कि बनेगा 5 + −1 5 − 1 = 4 और आखिरी नंबर है a प्लस 2d जो कि बनेगा 5 + 2 × −1 5 − 2 = 3। तो रिक्वायर्ड नंबर्स फिर क्या हुए, जी 3 4 6 3 4 5 6 3 4 5 6 7 और 7 6 5 4 3। दीज आर द रिक्वायर्ड 5 नंबर्स। तो d इज इक्वल टू प्लस 1 रखने से कुछ और नंबर्स आए हैं, d इज इक्वल टू माइनस 1 रखने से कुछ और नंबर्स आए हैं। बेसिकली इनका ऑर्डर ही चेंज होता है, जब भी d की एक से ज़्यादा वैल्यूज निकले तो नंबर्स का ऑर्डर चेंज होता है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको 5 नंबर्स मालूम करने पड़े जो कि AP में हों तो दरमियान में A रख के
ट्रेवल करना है लेफ्ट साइड पे, ए की लेफ्ट साइड पे डी सब्ट्रैक्ट करते जाना है और ए की राइट साइड पे डी ऐड करते जाना है। लेकिन अगर नंबर जो हैं वो तादाद में इवन है, मसलन जैसे पीछे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है चार नंबर मालूम करने थे, फिर हम दरमियान में यही रखेंगे। थैंक यू।